विभूतिखंड में अजीत सिंह की हत्या कर जिन दो बाइक से शूटर भागे थे वह बाइक गुरुवार को चिन्हट स्थित अवध बस स्टैंड पर खड़ी मिली। इनमें चाबी लगी हुई थी और दोनों पर खून के निशान भी मिले हैं। सीसी फुटेज में भी तीन लोग इस बाइक के साथ दिखे हैं। पुलिस इसी आधार पर दावा कर रही है कि शूटर बाइक यहाँ खड़ी कर या तो बस से कहीं बाहर निकल गए अथवा यहाँ पर उनके दूसरे साथी उन्हें लेने आए होंगे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ सुराग मिले हैं। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि कुछ और तथ्य जुटाए जा रहे हैं और यह लगभग साफ हो गया है कि शूटर इन्हीं बाइक से अजीत की हत्या करने गए थे। बाइक जिसके नाम और इस तरह से शूटरों को मिली इस बारे में भी कई चीज़ें सामने आ गई हैं। अजीत के साथ मौजूद मोहर सिंह ने भी शूटरों के बारे में काफ़ी सुराग दे दिए थे। शूटर पेशेवर थे और वह कुंटू और अखंड के काफ़ी करीबी थे। कुंटू के कहने पर ही हत्या करवाई गई है। विभूतिखंड पुलिस की एक टीम ने घटनास्थल से लेकर अवध बस स्टेशन के बीच लगे 3 दर्जन से अधिक सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल डाली। इसमें 2 बाइक पर 3 बदमाशी दिखे। हालांकि बस स्टेशन तक पहुंचने पर एक बदमाश ने कैप पहन ली थी। इसको लेकर यह संशय भी हुआ था कि कहीं एक बदमाश रास्ते में दूसरी जगह चला गया हो और थोड़ी दूर खड़ा चौथा साथी बाइक पर आ गया हो। मऊ के हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह की हत्या के मामले में वाराणसी के 1 लाख रुपए के नामी अपराधी गिरधारी शर्मा, ध्रुव सिंह और उर्फ कुंटू और अखंड प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। इस FIR में कहा गया है कि जेल में बंद कुट्टू व अखंड ने हत्या की साजिश रची, फिर शूटर गिरधारी को इसकी सुपारी दी। गिरधारी के साथ घटना में शामिल दूसरे शूटर की पहचान शिव प्रकाश और प्रकाश के रूप में हुई है। तीसरे शूटर के बारे में भी पुलिस को काफ़ी जानकारी मिल गई है। मोहर ने पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। गैंगवॉर में घायल अजीत के साथी मोहर सिंह ने गुरुवार को कई ऐसे सुराग दिए जिससे पुलिस को शूटर तक पहुंचने की राह आसान लगने लगी। मोहर ने बताया कि शूटरों में गिरधारी शर्मा भी था, उसने ही सबसे ज़्यादा गोलियां चलाईं। अजीत ने भी एक राउंड फायरिंग की थी जिसमें एक शूटर भी घायल हुआ। उसके घायल होने के बाद ही सब वहां से हड़बड़ी से भागे। मोहर ने दावा किया कि अगर शूटर घायल ना होता तो शायद ये लोग उसकी भी हत्या कर देते। मोहर सिंह ने कई और महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को दिए हैं। मोहर सिंह की हालत खतरे से बाहर है।